हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कॉन्स्टेबल एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछाएंगे हिंदी सब्जेक्ट से, तो वीडियो को एंड तक देखना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो के एंड में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसके लिए एक शब्द बताना है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे कहते हैं अजर। क्या कहते हैं? अजर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो लहर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो लहर का होता है समानार्थी शब्द उर्मी। लहर का समानार्थी शब्द क्या होता है, उर्मी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो विलोम बताना आपका लघु का, लघु का विलोम क्या होता है, तो लघु का विलोम होता है गुरु। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, आप मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर कॉमेंट में जल्दी से दिया करो। तो सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से आपको सही बर्तनी वाला शब्द बताना है। आपकी परीक्षा में सही बर्तनी को लेकर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। तो सही बर्तनी वाला शब्द आपको दिखाई दे रहा है, सन्यासी। सन्यासी तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पाँचवा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक शब्द मतलब वाक्य एक शब्द पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अद्वितीय। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। फिर से आपको एक शब्द बताना है कौन सा होगा इसका राइट आंसर, जो पहले हो चुका हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जा रहे हैं हिंदी में, तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। जो पहले हो चुका हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। सातवां क्वेश्चन है, पत्थर की लकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं सभी। तो पत्थर की लकीर होना इसके लिए क्या होता है, बात पक्की होना। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है फिर से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो परीक्षण, परीक्षण किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको। तो देखो ये तो है नहीं है करेक्ट आंसर, क्योंकि छोटी की मात्रा इस पर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते थे इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नौवें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न में इस एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक सही ढंग से है लिखा गया है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखो बात वही है, लेकिन थोड़ा सा उसे पढ़ाने में टाइम बर्बाद करना चाहता है एग्जामिनर। तो आपको सतर्क रहना है, आपको लास्ट में देखना है सही बर्तनी वाला शब्द पूछा है। तो सही बर्तनी वाला आपको अनाधिकार बताना कौन सा करेक्ट आंसर है। तो अनाधिकार तो तीसरे ऑप्शन में राइट आंसर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दसवां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, सभी बताएं। तो कमल का समानार्थी शब्द है अरविंद। तो राइट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, अमीय, सुधा, ठीक है, पीयूष। ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो फिर से आपको उसी टाइप से पूछा है, इतने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको परीक्षा में, क्योंकि आपको लास्ट में देखना क्या पूछा जा रहा है। बस आपको उतने पे ही पता चल जाएगा सही बर्तनी वाला शब्द पूछा है। सही बर्तनी वाला शब्द आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, मातृहीन। तो मातृहीन किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो देखो इस तरह नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन राइट आंसर है इसका फोर्थहीन। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर मातृहीन। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बारहवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न का मतलब शब्द का चयन करें। तो देखो बेटी पिताजी के साथ डैश थी, तो मतलब क्या थी आपको बताना है इस ऑप्शन में से। तो देखो ऑप्शन में जाने वाली थी, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो दूसरे में क्या दे रखा है, जाने वाला, लड़का नहीं है इसलिए जाने वाला नहीं आएगा। जाने वाले कई नहीं है इसलिए नहीं आएगा, बहुवचन नहीं है इसमें, चलने वाले तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 13वां क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको अब दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें देखो इतना सब कुछ पढ़ेंगे नहीं आप एग्जाम में, क्योंकि समय नहीं रहता है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है
आपको परीक्षा देने से मतलब ही नहीं है, आपको परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सब कुछ पढ़े हुए होते हैं और पेपर को अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो वो भी रह जाते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आपको देखो इस टाइप की थ्योरी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आपने तो इस टाइप की थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे आप। आपको देखना है लास्ट में जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो मुहावरा दे रखा है, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। चारपाई पकड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है चारपाई पकड़ना मतलब बीमार होना। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। और बहुत से स्टूडेंट इसमें देखो इसमें देखेंगे निश्चित हो जाना ये नहीं है, दुख देना उत्तेजित होना ये नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौदहवें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आँख का समानार्थी शब्द क्या है, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। तो समानार्थी शब्द होगा आँख का लोचन, चक्षु लोचन द्रग, ठीक है। तो ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मतलब पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। अब पंद्रहवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, फिर से आपको बताना है। तो पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द को लेकर चार से पांच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। निपुण का पर्यायवाची क्या होगा? तो कुशलता, निपुण कुशलता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर दे रखा है। सोलहवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। तो जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ। तो जिसे मर जाने की कामना हो तो उसे कहते हैं मृत्युंजय। तो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप काउंट करते जाइएगा आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, जिससे आप कमेंट में बताएंगे वीडियो के एंड में कि कितने क्वेश्चन का आप सही दिए हैं आंसर। क्योंकि मेरा टारगेट है आप इन 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का सही आंसर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? 17वां क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए मतलब विकल्पों में से चुनिए। तो जिसे भूमि में जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊसर, ऊसर जमीन कहते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है, उपजाऊ उसे कहेंगे जिसमें सब कुछ उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 18वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। तो इसमें आपको बताना है विलोम चुनना है आपको, तो परकीय का विलोम क्या होगा? तो परकीय का विलोम होगा स्वकीय। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत से स्टूडेंट्स का गलत आंसर लगा के आते हैं, आपको नहीं लगाना है गलत। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मुँह में ठेठी देना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर है कुछ बोलने न देना और बोलने की हिम्मत न होना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है मुंह में ठेठी देना, इसका राइट आंसर है बोलने की हिम्मत न होना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 20वां क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का विलोम चुने। तो कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, बताओ राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है अकृतज्ञ। तो तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिख रहा है आप सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, 21वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी परीक्षा कंटिन्यू चल रही है और जिन स्टूडेंट का भी एग्जाम होना बाकी है उनके लिए ये रामबाण वीडियो है। तो आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, आपको उससे 100% बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप मात्र 8 से 9 मिनट में देख ही सकते हो मेरी सभी वीडियो को, तो सभी वीडियो को कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा जिससे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, आकांक्षा कैसे लिखा जाएगा? तो आकांक्षा देखो छाछतरी तो नहीं आएगा, तो इसमें दोनों ऑप्शन काट देंगे देखते ही। अब आकांक्षा देखो, आकांक्षा ये तो होगा नहीं, आकांक्षा पहले ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है, इस तरह आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर देंगे अगर आपको क्लियर नहीं पता है तो। अब 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। कोयल का पर समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कोयल का होता है कोयकला। तो राइट आंसर है पहला ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 23वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त तो शब्द विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पर रेखांकित मतलब उसने कहा है, लेकिन रेखांकित आप बोलेंगे किस में रेखांकित दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, जो उसे व्याकरण का अच्छा बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आपको बताना है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं
ज्ञान, तो मतलब जिसे व्याकरण का अच्छा बोध हो उसे ज्ञान कहते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त तो शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया, तो देखो परामर्श लिया, राइट आंसर परामर्श होगा। अनुदान ये तो होगा नहीं, आज्ञा नहीं, मंत्रणा ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या है, रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 25वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएंगे। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऊपर की ओर जाने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए होता है ऊर्ध्वगामी, तो राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आप वीडियो में क्या करेंगे कि आप इसी वीडियो के कमेंट में 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है सही, तो आपने जल्दी से कमेंट में बताओ कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया 25 में से। अगर जिन स्टूडेंट के 20 क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और उनका एग्जाम अच्छा जाएगा, क्योंकि हिंदी में अगर 25 में से 20 भी सही लेके आए हैं इन क्वेश्चन में से तो उनकी तैयारी अच्छी है, और जिनकी तैयारी 25 में से 20 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए उनको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तो आप हमारी कंटिन्यू अभी टाइम है आपके पास, वीडियो को जरूर देख के जाएँ। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।